नमस्कार। इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त, प्यारा हमसफर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का चाहने वाला और आप सबको इसकी ओर लगाने के लिए आपके बीच हाजिर है डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से। दोस्तों, आज रविवार है और जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार आपके सवालों का और हमारे जवाबों का दिन होता है। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से आपके सवाल ले लें। अब आज के सवालों के क्रम में हम ले लेते हैं, मिस्टर हमारे प्रदीप सोनी जी ने एक सवाल किया है कि सर, कंपाउंड मेडिसिन के स्थान पे अगर हम अलग अलग मेडिसिन दें तो क्या उसका रिजल्ट बेहतर होगा। प्रदीप सोनी जी, कंपाउंड मेडिसिन में जो कंपाउंड दिए गए हैं या जिन औषधियों की चर्चा की गई है, जब आप उन औषधियों को बराबर रेशियो में मिला करके अपने रोगी को देंगे तो काम उसका उतना ही होगा। दरअसल कंपाउंड मेडिसिन देने से हमारी मेडिसिन की बचत होती है, समय की बचत होती है, क्योंकि कंपाउंड मेडिसिन पहले से प्रिपेयर है, आपको सिर्फ उसी से निकालना है। जैसे हमारी L2 है, CNS है, हमारे तमाम साथी कहते हैं कि L2 में भी L1A3 है और CNS में भी L1A3 है, L3 में L1A3 है, तो क्या अगर हमको L2, L3 और CNS देना हो तो L1 और L3 की मात्रा ज़्यादा नहीं हो जाएगी। यही कन्फ्यूजन मैं आप सबका दूर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी मेडिसिन को कंपाउंड मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं तो वो सिंगल कंपाउंड मेडिसिन का फंक्शन दिखाने लगती है, और जब हम उसको अलग अलग प्रयोग करते हैं तो वो अपने अलग अलग गुण दिखाने लगती है। यानी फिर L3 के जो कार्य हैं वो होने लगते हैं, अगर A3 का अलग देंगे तो A3 कार्य होंगे, लेकिन जब हम L2 देंगे तो वहाँ पे ना L1 का कार्य दिखाई पड़ेगा, ना A3 कार्य दिखाई पड़ेगा, ना S1 का दिखाई पड़ेगा, हमको L2 का पर्टिकुलर कार्य दिखाई पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को मोटिवेट करना। उसी तरीके से जब आप किसी कंपाउंड मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो फिर तो प्रदीप सोनी जी, मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि कंपाउंड मेडिसिन देने से हमारी समय की बचत होती है, बेहतर परिणाम हम दोनों से ले सकते हैं अगर दोनों मेडिसिन में यथार्थता है, दोनों D3 से ही बनी है। इस बीच एक ग्रुप बना था इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, और उस ग्रुप में एक नंबर से मेरे पिछले एपिसोड के सवाल जवाब पर एक सवाल बना था, और उन्होंने कहा था कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों का pH मान पर प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने एक लंबा ब्यौरा दिया कि जब दवाएं हमारे पेट में जाती ही नहीं हैं और जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होंगी, जब तक वो पचेंगी नहीं, जब तक वहाँ एंजाइम्स का काम नहीं होगा, तब तक उसके pH मान का असर नहीं होगा, इस नाते खटाई का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और जब तक मैं उसका जवाब लिखूं तब तक ग्रुप एडमिन ने मुझे उस ग्रुप से अलग कर दिया, मेरा जवाब नहीं सुन पाए वो, हालांकि मैंने उसके पहले लिखा था कि आप रविवार का इंतजार कीजिए। तो जो भी साथी रहे हो या पूरे देश के हमारे साथी की उत्सुकता हो सकती है इस सवाल में कि मैं, हमसे एक सवाल किया गया था कि क्या इलेक्ट्रोहोमोपैथी के दवाओं के पहले या बाद में खटाई खाई जा सकती है, तो मैंने कहा था कि जो pH मान 4 से लेकर के 6.4 तक है उसके बीच में अगर हम कोई भी pH मान वाला पदार्थ खाते हैं तो हमारी दवाएं कोई नुकसान नहीं करेंगी, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा या उसका काम कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर pH मान 4 से नीचे कि हम खट्टे पदार्थ का सेवन करते हैं तो वो pH मान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से हमारे पूरे शरीर पे कुछ देर प्रभावी रहता है, इस ताते दवाओं का प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है। अब उनका कहना यह था कि जब दवाएं हमारे पेट में नहीं जाती हैं, यानी उनका कहना था कि जब हम RS वाली दवा को लेते हैं और जीभ पर ही उसका काम शुरू हो गया, पेट में नहीं गई, तो फिर pH मान का क्या मतलब रह गया। मेरे भाई, बायोकेमिस्ट्री के आप कम जानकार हैं, अगर आप मेरा जवाब सुन रहे हो, हमारे ब्लड में हमारे ब्लड का, हमारे लिम्फ का, हमारे टिश्यू फ्लूइड का, हमारे साइटोप्लाज्म का, हमारे बॉडी के हर न्यूरॉन्स के अंदर एक्सोप्लाज्म का, हर एक का pH मान होता है, और ये दवाएं अगर हमारी नर्व्स पर काम करती हैं तो भी वहाँ भी pH मान की आवश्यकता पड़ती है, अगर ये ब्लड या लिम्फ पे काम करती वहाँ भी pH मान की जरूरत पड़ती है, अगर ये टिश्यू फ्लूइड में या हमारे साइटोप्लाज्म पर एक्शन करती वहाँ भी pH मान की जरूरत है। तो हमारे बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन या कोई ऐसी सेल या कोई ऐसा टिश्यू नहीं है जहां पे pH मान की वैल्यू कम हो गई हो या न्यूट्रल हो गई हो। हम इन दवाओं को जब डिस्टिल्ड वाटर में लेते हैं और जब कहते हैं रोगी से इसको पी लीजिए तो हमारे इंटेस्टाइन में ही जाता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के वो तत्काल हमारे ब्लड के माध्यम से विभिन्न टारगेट तक पहुँचने का प्रयास करता है। कुछ दवाएँ हमारे माउथ कैविटी से ही आरम्भ हो जाती हैं अपना एक्शन शुरू करने के लिए,
तो लार ग्रंथियों में हमारे सलाइबा में भी का भी पीएच मान होता है, तो पीएच मान से हम बच नहीं सकते। इस नाते ये बचकाना सवाल कि जब हम पाचन क्रिया में लेंगे तभी पीएच मान का फर्क पड़ेगा, मैं समझता हूँ अभी आपको बायोकेमिस्ट्री की या जीव विज्ञान की अधिक जानकारी लेनी चाहिए। और मुझे गर्व तो नहीं होता या मैं अहंकार तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें मैं आपको या पूरे देश को बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में शायद ही कोई इस तरह का एक्सप्लेनेशन देता हो। और अगर देना चाहें तो खुल करके सामने आए। आपने लिखा अब आप बताएं, आपका लास्ट लाइन थी अब आप बताएं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि शरीर के बॉडी के हर सेल के हर परफॉर्मेंस में पीएच वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और पीएच वैल्यू हमारी एंजाइम्स की जो कार्यशैली है वो एक निश्चित पीएच मान पर है। तो उस पीएच मान से अधिक या कम होने पर हमारी दवाओं का प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिस्टर मोहम्मद मसूद जी ने एक सवाल किया था कि सर क्या ट्रीटमेंट करने से पहले हमको पेशेंट या गार्जियन की रिटर्न कंसेंट की जरूरत पड़ती है, यानी उनकी अनुमति की या सहमति की जरूरत पड़ती है? मिस्टर मसूद जी, हम चिकित्सक हैं, हमारे पास जो रोगी आता है वो अपनी समस्याएं लेकर आता है, उन समस्याओं के बाद हम उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। हम उसकी लिखित कंसेंट लें तब दवा शुरू करें? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते थे। हालांकि मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैंने जवाब दिया था, लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक सवाल कर रहा हूं, कैसे तमाम सवाल हो जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये हम किसी रोगी से या उसके गार्जियन से लिखित सहमति लेने के बाद दवा आरंभ करेंगे? ये तो एक बड़ी विचित्र सी बात है और बड़ा विचित्र सवाल है। कृपया आपके यहाँ आए हुए रोगी का आप एक चिकित्सक की भावना को जगाते हुए एक चिकित्सक की तरह कार्य करें। रोगी की सहमति या असहमति की जरूरत नहीं है। अगर रोगी आपके पास आया है तो दवा लेने ही आया होगा, उसकी सहमति वही है कि वो आपके पास आया। अगर वो आपसे कुछ और अपेक्षा करता है तो उसको क्लियर करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे कई साथियों ने बाल पर बड़ी समस्याएं लिखी हैं। मिस्टर देवनाथ जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, कई लोगों ने लिखा है सर बाल झड़ने का की दवा बताइए, किसी ने लिखा है कि बाल सफ़ेद होने की दवा बताइए, किसी ने लिखा है एलोपीसिया बाल बीच में जो गिर जाते हैं। अभी सवाल आया भी मिस्टर पटेल जी का, राम पलट जी का। देखिए, एलोपीसिया तो आपका फंगस इन्फेक्शन है, तो फंगस इन्फेक्शन में जो आपकी दवाएं हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हम अभी कुछ और चर्चा करने वाले हैं, साथ हम अभी इन पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एलोपीसिया पर मैंने एक पूरा क्लास लिया है। आप लोग सर्च करेंगे एलोपीसिया लिख करके यूट्यूब पर, या हमारे फेसबुक पर जाएंगे तो आपको एलोपीसिया के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगी कि एलोपीसिया क्यों होता है, कैसे होता है, और उस पर हमारी इलेक्ट्रोहोमोपैथिक दवाएँ कैसे कार्य करती हैं। फिलहाल चूँकि एलोपीसिया एक फंगस इन्फेक्शन डिजीज है, और इस नाते हम एलोपीसिया को का निदान करने के लिए सबसे पहले तो रोगी को ये सलाह देते हैं कि आप अपने सिर के बाल को 3 या 4 बार लगातार हर दूसरे दिन उसको हटवा दें, मुड़वा दें सर को अपने, और उसके बाद जो दवाएं हैं उन दवाओं का सेलेक्टन हम सेलेक्ट करते हैं और उन दवाओं का हम उपयोग करते हैं। राम पलट जी, अगर आपको सर्च आप ना कर पाए तो आप मुझसे पर्सनल फ़ोन कॉल करके एलोपीसिया के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बाल के सफ़ेद होने, अब बाल के सफ़ेद होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक काज हो सकता है, आजकल तो 10 साल 12 साल के बच्चों के बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं, या फिर कोई थिंकिंग या तनाव या टेंशन या डिप्रेशन, इससे भी ये बाल आपके गिर भी सकते हैं और बाल आपके सफ़ेद भी हो सकते हैं। बाल के सफ़ेद होने के कई काज हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हम बाल पर ही चर्चा कर लें ताकि आप सभी के सवाल उसमें समाहित हो जाए, और आज के सवालों के जवाब, सवाल और जवाब में हम इस पर लंबी चर्चा नहीं कर सकते। मिस्टर विवेक मौर्या जी ने कहा है कि पैरों का सुन्न हो जाना क्यों होता है, इस पर दवा बताएं। विवेक मौर्या जी, पैर के सुन्न होना जिसको आप झुंझुनाहट कह सकते हैं, अब एक पैर सुन्न हो रहा है या पैर का पंजा सुन्न हो रहा है या पूरी के पूरे पैर सुन्न हो रहे हैं, ये भी आपने क्लियर नहीं किया। आपने सिर्फ इतना लिखा कि पैर का सुन्न हो जाना, इस पर क्या हो सकता है? तो सुन्न हो जाने के लिए हमारे पास F2 और C2 ये दो महत्वपूर्ण दवाएं हैं, और WE ये तीन दवाएं मिला करके अगर हम रोगी को 20-20 ड्रॉप हर 15 मिनट पे लगातार 4 इंटरवल पे देते हैं तो उसके पैर का तात्कालिक सुन्नपन दूर हो जाता है। आप प्रयोग करके देखें, और अगर सुन्नपन एक स्थायी रूप में है या जिसको हम कह लें कि ये आपका क्रॉनिक पेशेंट आपके पास आया है तो उस पर चर्चा लंबी हो जाएगी। पहले आप हमको
सुन्नपन का प्रकार बता दीजिए। हमारे कृष्ण कुमार केसरी जी का सवाल है कि सर, पाइल्स में ब्लीडिंग बंद हो जाती है, पेट साफ होने लगता है, लेकिन मस्से नहीं गलते हैं। पाइल्स दूर हो जाती है लेकिन मस्से नहीं गलते हैं। तो कृष्ण केसरी जी, संभवतः आप C4 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। किसी भी हार्ड स्ट्रक्चर को गलाने के लिए C4 और C2 ये दोनों आप मिलाइए, तो शायद आपके और जो आपने पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट दिया उसी में आप C4 और C2 मिला करके उसको कम मात्रा में देना शुरू कीजिए। चूंकि ये क्रॉनिक हो चुका है, इस नाते उसको आप 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मिस्टर MK अवधेश जी हैं, इन्होंने प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट होने पर दवा पूछी है। तो प्रोस्टेट पर मेरा एक लंबा क्लास हो चुका है, अवधेश जी कृपया क्लास को सर्च कर लें और देख लें। प्रोस्टेट आमतौर से प्रोस्टेट के रोगी 50 और 55 साल के, यानी हम लोगों के उम्र के रोगी प्रोस्टेट के शिकार होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट के शिकार सभी नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से रोग युवा देखा गए, मतलब वृद्ध लोग देखे गए हैं जो 90-90 साल के हो गए, उनको कभी प्रोस्टेट की शिकायत नहीं हुई। 70 साल 80 साल के लोगों को भी प्रोस्टेट की शिकायत नहीं हुई। प्रोस्टेट का अपना एक कार्य है, उस कार्य को रोक देने से, उस कार्य पर प्रभाव बंद होने से प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है, या प्रोस्टेट के एनलार्ज होने के कई काज हैं जिस पर मैंने चर्चा किया है। तो पहले प्रोस्टेट के एनलार्ज के संदर्भ में आप पूरी बात कर लें कि प्रोस्टेट के एनलार्ज का कारण क्या है, उसका जांच करा लें और देख लें कि उसके काज क्या निकल रहे हैं, उस हिसाब से दवा का सिलेक्शन करें। मेरे उस क्लास में इसकी पूरी व्याख्या है। चलते चलाते हमारा फोन पे नंबर 9450563748, हमारा कॉलिंग फोन और व्हाट्सएप नंबर है 9793252355। हमारी कई श्रोताओं ने कहा था कि आप अपनी किताब के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज दिखा दीजिए, तो लीजिए ये हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो मेरे द्वारा लिखी गई है, इसका ये फर्स्ट पेज है, इसका ये बैक पेज है और इसके पन्ने, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के डायग्राम भी हैं, कलर डायग्राम्स हैं, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। इस बुक में नए चिकित्सकों के लिए कम लेकिन ज्ञानवर्धक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, मैटेरिया मेडिका, फार्माकोपिया और साथ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इसमें दिए गए हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नए चिकित्सकों के लिए या पुराने चिकित्सकों के लिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एंजाइम्स बेस पर समझने के लिए यह पुस्तक एकमात्र भारत में पहली पुस्तक है। इसकी कीमत आपके घर तक जाने की 1650 रुपए है। हमारी दूसरी बुक है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इसमें हमने उन्हीं रोगों की चर्चा की है जो 37 साल मेरे चिकित्सकीय अनुभव में आए हैं, और इसमें रोग, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, जो कि अंग्रेजी नाम से जो रोग बनते हैं उनके नाम देने पड़ते हैं मजबूरी में। हालांकि रोग के बारे में हमने आपसे पहले कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग से कोई दवाएं नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाम आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इस बुक का दाम आपके पोस्टल चार्ज सहित 1350 रुपये में आपके घर पहुंचती है। अगर दोनों बुक आप एक साथ मंगाते हैं, चूंकि दोनों बुक का कनेक्शन एक दूसरे से है, फार्मूले और सिद्धांत हमारी हैंडबुक में है और इसके साथ ही इस बुक में इसके साथ अटैच है, तो दोनों बुकें अगर एक साथ आपके घरों में जाती हैं तो आपका पोस्टल चार्ज कम हो जाता है और 2800 रुपये में आपके घर पहुंच जाती है। तो आपके लिए दोनों बुकें हमारे तरफ से जब कभी भी आप करें। और अगर लाइन पर हमारे ये दो साथी हों, मिस्टर रमेश भीमटे जी भंडारा महाराष्ट्र से और मिस्टर अवनीश कुमार विश्वकर्मा, ये गोला गोकरणनाथ लखीमपुर खीरी से, आप दोनों की बुक पैक हो चुकी हैं और ये कल सुबह यहाँ से चली जाएंगी। आप इंतज़ार करें 2-3 दिन अपने पुस्तक के पहुँचने का। तो बस आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जागरूक रहिए, समाज को जागरूक कीजिए। सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति पौध एंजाइम्स पर आधारित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।